नमस्कार, मेरा नाम रजनी देवी है। मैं कैरी गांव की रहने वाली हूँ। हम 20 लाख का काम करते हैं, ऐसे छाबड़ी बिनना, ऐसे रोटी बॉक्स हो गया, ये मैं काम करती हूँ। कि ये शिल्पकारी वाले हैं संचेता प्रधान जी, इन्होंने 4 महीने से मतलब कि यही बोलते आ रहे हैं कि मतलब कि थोड़े पैसे इन्होंने दिया था मुझे, 18,000 दिया था शायद, मतलब कि आगे से ये बोलते हैं कि रजनी हम तुम्हारा 2 दिन या 3 दिन में मतलब कि आपका पूरा फाइनल कर देते हैं। इन्होंने मुझे बोला था आज के लिए मंडे, मतलब मंडे के लिए बोला था कि रजनी। आज भी मैंने उनको 3-4 बार कॉल किया कि दीदी मतलब कि मेरी मेरे से बात करो, ये आगे से बात नहीं करते, आगे से फ़ोन कट कर देते हैं। कि मैं फिर भी मतलब कि मैं नहीं इनके साथ मतलब कि ये करना चाहती थी, पर ये मैं अभी दुखी होकर 4 महीने हो गए हैं, मतलब 4 महीने में आज दुखी होकर ये बोलना पड़ा है कि ये मतलब कि मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। रोज़ मतलब कि लेडीज आती हैं कि रजनी हमारे पैसे दो। तो मैं कहाँ से दूँ? मैं खुद इतनी गरीब हूँ कि मैं हैंडीक्राफ्ट जैसे बिना छाबड़ी बनाती हूँ, जे मतलब कि जे ये काम करके मैं आज घर का मतलब कि ऐसे बच्चे हैं मेरे, 3 छोटी गुड़िया है 3 साल की, मतलब कि हम ये मतलब कि ये बिना छाबड़ी बना के उनका ये मतलब कि गुजारा कर रहे हैं। मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे आगे मतलब कि यही करती हूँ कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं उन्होंने मुझे BS पलोड़ा में उनके हाथ से मुझे एक अवार्ड भी मिला था। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो चीज़ हम लोग ऐसे मेरे साथ जो 40 लड़कियाँ मतलब हैं वो बनाती हैं खुद, मतलब कि हाँ जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए वो दूसरों को मिले जिनको कुछ आता ही नहीं है। शिल्पकारी बाजार वाले संचेता प्रधान है, उसको खुद कुछ करना आता नहीं है, मतलब कि ऐसी मैंने लड़कियां भी रखी हैं, मैं उनको सिखाती भी हूँ, मतलब संचेता प्रधान को आता कुछ नहीं है। मैं LPG साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाकायदा हमारा इंटरव्यू लिया जाए कि देखते हैं कि कौन बनाता है। जो मैं जम्मू वालों से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हम बना रहे हैं जैसे कि जी हमसे ली ना, उस संचेता प्रधान से क्यों ले रहे हैं।